मुझे याद है कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, आप सबसे पहले यहाँ आए थे। सवाल आपसे पूछा गया था अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर भी। अब जब ये खबर सामने आई है तो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पीएमएलए जो एक्ट था उसकी धज्जियां उड़ी हैं और ये निश्चित रूप से लोकतंत्र की जीत है। केजरीवाल का बाहर आना आज भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा और ये अन्याय के विरुद्ध एक बहुत बड़ी जीत है। अब मनीष सिसोदिया जी का भी रास्ता साफ होगा, सुरेंद्र जैन जी का भी रास्ता साफ होगा, शिबू सोरेन का भी रास्ता साफ होगा, हेमंत सोरेन का, सभी के रास्ते साफ होंगे। आप लोग जो कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन अब जब कोर्ट ने ही ये जमानत दी है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बयानबाजी में ज्यादा उलझी रही पार्टी। हम कोर्ट को नहीं दोषारोपण करते, यही राहुल जैने की कोर्टें पहले थी, यही आज है। लोकतंत्र अब खतरे में नहीं, आप ये मान रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र का खतरा सरकार से, न्यायालय से नहीं। अच्छा। इस बात को समझिए, लोकतंत्र का खतरा सरकार से, और वो खतरा आज भी बरकरार है, लेकिन उस पर एक तकड़ी लगाम जनता ने लगाई। अरविंद केजरीवाल कल बाहर आ जाएंगे, अब स्पीकर होने के नाते, क्योंकि 6 महीने में दिल्ली में अब चुनाव होने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, क्या आगे तैयारी है आम आदमी पार्टी की और विधानसभा की? ये तो देखिए पार्टी बताएगी क्या तैयारी है। मैं स्पीकर के नाते से कह सकता हूँ, निश्चित रूप से दिल्ली में आम आदमी पार्टी पुनः बहुमत प्राप्त करेगी, आएगी, बिल्कुल आएगी। विधानसभा सत्र भी होने हैं, वहां पर लग रहा है कि सरकार को भी अब मजबूती मिलेगी अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से, क्योंकि पिछले दिनों बाहर आए थे तो वो प्रचार के लिए आए थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री के तौर पर भी आएंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर भी आएंगे, सरकार को भी मजबूती मिलेगी, और जो जिस ढंग से काम करने का उनका तरीका है वो किसी से दबते नहीं। आज हरियाणा का पानी रोकने की बात है, उनको अगर हरियाणा सरकार के पास जाकर धरना देना पड़ा वो देंगे। नहीं, लेकिन मैं यही सवाल पूछने वाला था, जल संकट के मौके पर अब वो बाहर निकल रहे हैं, तो जल संकट पर क्या रणनीति रहेगी? 2-3 दिन में दूर हो जाएगा, देखना। तो अरविंद केजरीवाल के हाँ नहीं, आप दावा कर रहे हैं? मैं दावा कर रहा हूँ, विद इन 3 डेज वहाँ धरना देना पड़ा तो देंगे, कुछ भी करना पड़े वी विल डू दैट। स्पीकर बाहर आ गया, स्पीकर कह रहे हैं कि शेर बाहर आ गया है और उनको आपने सुना, क्योंकि ऐसे वक्त पर श्वेता जल संकट भी चल रहा है, आतिशी जो कि जल मंत्री है उन्होंने ये ऐलान किया है कि कल से वो अनिश्चितकालीन अनशन करेंगी। इस बीच जब ये खबर सामने आई है तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में भी सरकार की रणनीति अब क्या बदलती है या फिर रणनीति वही बरकरार रहती है, खासतौर से पानी को लेकर, क्योंकि अभी पानी की किल्लत की समस्या खत्म नहीं हुई है।